नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 54। ये आपके मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और आज की हमारी थीम है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले अपनी क्लास लिखें, उसके साथ सेक्शन ए बी सी डी लिखें, आपका नाम लिखें और आपके टीचर का नाम लिखें, उसके बाद ये वर्कशीट शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। क्या है टॉपिक? रस्सी कूद यानी कि स्किपिंग। सलीम, रोहम, रोहन और नेहा बहुत समय बाद विद्यालय गए थे। आज उनकी शिक्षिका ने उनसे ढेर सारी बातचीत की। उन्होंने अपने अपने अनुभव शिक्षिका के साथ साझा किए। उनकी शिक्षिका ने उनको रस्सी कूदने वाला खेल भी खिलाया। शिक्षिका ने उन्हें बताया कि आज उनकी रस्सी कूद प्रतियोगिता होगी। उन सबको दो बार रस्सी कूदनी होगी। जो दो बार में बिना रुके ज़्यादा कूद लगाएगा वह जीत जाएगा। चलिए, ऐसा ही होता है हमारे, जब हम रस्सी कूदते हैं तो बिना रुके ही कूदना होता है। सलीम ने पहली बार में 32 कूद और दूसरी बार में 25 कूद लगाई। उसने सोचा कि मैं दोनों बार की कूदों की संख्या को जोड़कर अपनी सारी कूद पता लगा सकता हूँ। तो उसने कैसे पता लगाया? पहली बार की कूद 32, दूसरी बार की कूद 25, तो जोड़ा 5 और 2 7 और 3 और 2 5, यानी कि मैंने 57 यानी 57 कूद लगाई। अगला है, नेहा ने पहली बार में 41 यानी 41 कूद और दूसरी बार में 33 यानी कि 33 कूद लगाई। क्या आप बता सकते हैं कि उसने दोनों बार में कितनी कूद लगाई? बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे पहली बार की कूद बराबर कितनी है? 41। दूसरी बार की कूद, ठीक है, दूसरी बार की कूद बराबर कितनी हुई? 33। और लिखेंगे कुल कूद, बराबर यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे, 3 और 1 4, 4 और 3 7, यानी कि उसने टोटल 74 कूदें लगाई हैं। अगला है, रोहन ने पहली बार में 40 कूद और दूसरी बार में 28 कूद लगाई। उसने दोनों बार में कुल कितनी कूद लगाई? तो पहली बार की कूद बराबर 40, दूसरी बार की कूद 28, तो इन्हें हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल कूदें निकल आएंगी। 0 जमा 8 तो 8 ही होता है, 4 जमा 2 6 होता है, यानी कि उसने कुल कितनी कूदें लगाई? कुल कूदे हैं, यहाँ बिंदी आ जाएगी, बराबर 78 कूद, ठीक है। 78 कूदें किसने लगाई? रोहन ने लगाई। 74 कूदें नेहा ने लगाई और उसने कितनी लगाई थी? 54 यानी कि 54 कूदें लगाई थी, जो कि सलीम ने। सबसे ज़्यादा कूदें किसने लगाई? तो सबसे ज़्यादा कूदें नेहा ने लगाई थी और कितनी लगाई थी? 74, ठीक है। पेरेंट्स, आपके लिए सजेशन है कि बच्चों के साथ मिलकर घर पर कोई खेल खेलें, मतलब उनको मोटिवेट करें कि वो खेल खेलें और उससे कुछ सीखें। तो उम्मीद है वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।